हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है, हम सब भी खैरियत से हैं। तो चलें आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज बस काम करके आज सुबह ही खाना बना रही, सुबह भी नहीं बल्कि दोपहर का टाइम है, 12 साढ़े 12 एक का टाइम तकरीबन हो रहा होगा। मैंने टाइम देखा नहीं क्योंकि लाइट अभी आई है, तो मैंने कहा चलें खाना जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि रात को हम लोग बहुत देर हो गई थी। मैंने कल 6 बजे पकाना शुरू किया था, तो उसके बाद घर इतना तपा है ना सारी रात, ऊपर से जो मैं आपको बता नहीं सकती, इसलिए मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो आज मैंने कहा जल्दी बना लेती हूँ और बस खाना मेरा। मैं क्या बना रही हूँ आज? बना रही हूँ बॉम्बे स्पेशल बिरयानी, मटन बिरयानी बना रही हूँ, बॉम्बे स्पेशल मटन बिरयानी। चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। 4 छोटे प्याज थी ना, तो मैंने 4 प्याज काटी है, तकरीबन 4 टमाटर ही थे क्योंकि आधा ख़राब ही निकल गया। इतने ख़राब टमाटर आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह के आ रहे हैं, और पानी इनमें इतना ज़्यादा है ना, अजीब से। ये बता रहे कि मैंने इतनी दुकानों के बाद मुझे ये टमाटर मिले। तो बस अदरक लहसुन मैंने कूट के रख लिए, आलू में मुझे मीठे लग रहे थे तो इसमें मैंने नमक डाल के पानी में रखा है। मैंने तो मुझे लग रहा है कि आलू मीठे हैं, और मटन मैंने पानी में रखा है। मैं जब पहले मैं चावल बिन के चावल भिगो देती हूँ, और ये भीगने में टाइम लगेगा क्योंकि सेला है, और घर में आजकल सेला चावल ही खा रही। जो बॉयल के लिए हम बनाते हैं तो बनस्पति बनाते हैं। और बस मत पूछें कि कल हमारी रात किस तरह गुजरी। कल तो लाइट ने हम लोगों को पागल कर दिया था। 10 मिनट के लिए आती थी, फ़ौरन बंद कर दे, 10 मिनट के लिए फ़ौरन बंद कर दे। बहुत तकरीबन 3-4 बजे हम लोग सुबह सोए, और फिर वो सुबह 6 बजे लाइट जाती। फिर पानी के लिए तो हमारे आधे इलाके की लाइट डिम थी, तो सुबह ट्यूबवेल भी नहीं बाबा ने खोला, तो पानी भी नहीं था। सुबह इतनी मुश्किल थी, शुक्र है कि 2-3 गैलन जो भरे हुए थे और जिन्होंने कितने दोस्त से पानी लिया, तो वो पानी यूज़ करके तो बेटा हैरा काम पे गए। फिर आया है तकरीबन 10:30 बजे पानी आया, जब लाइट उनकी ठीक हुई। मिक्की आया था, मिक्की बता रहा है, मिक्की पढ़ के चला गया है। मिक्की बता रहा था आंटी हमारी सुबह 7 बजे से लाइट डिम थी। फिर आंटी मैं भी सुबह 7 बजे का उठाऊँ, मैंने कहा बच्चे क्या करें, बस मजबूरी है, क्या कर सकते हैं हम। और मेरे लोगों की तो छुट्टियाँ हैं, वो अभी नहीं आ रही। वो 1 महीने की उन्होंने क्या स्कूल की छुट्टियाँ हुई थी, बाजी हम ट्यूशन से भी 1 महीने की छुट्टी ले रहे हैं, तो वो पूरा महीना आएंगे नहीं। मिक्की आएगा, मिक्की भी पढ़ के चला गया। मिक्की को भी हमने सुबह का टाइम दिया, तो गर्मी बहुत होती है। मैंने कहा आप सुबह में आ जाया करो, तो फारिक हो जाएगा। तो बस जल्दी से चावल बिनती फिर होती, फिर आपके साथ आगे रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो प्याज मैंने डाल दिए थे और प्याज ब्राउन हो गए। मैंने एग्जॉस्ट लगाया था, वीडियो नहीं बनाई, इसकी आवाज़ फिर से ज़्यादा हो गई है। तो आधे प्याज मैंने निकाल लिए हैं, आधे मैंने इसी में छोड़ दिए, और बस मैं डाल दूँगी ये अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डाल के मैं थोड़ा सा भूनूंगी, इससे कच्चापन खत्म हो जाए, फिर मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। और बिरयानी मसाला मैंने दही में मिक्स कर लिए, बॉम्बे बिरयानी मसाले 2 पैकेट, और कुछ मसाले मैंने इसमें घर के डाले, जिसमें लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई गर्म मसाला है, काली मिर्चें, ये मैंने घर की डाली। जो टमाटर मैंने भून लिए अदरक लहसुन के बाद, मैंने टमाटर डाल दिए थे, टमाटर भून गए। अब मैं इसमें सारा मसाला डाल दूँगी। मसाला थोड़ा सा भून के फिर मैं इसमें गोश्त डालूँगी। जी तो मसाला थोड़ा सा भुन गया है इसमें, और थोड़ा सुपर आया है, ये गोश्त डाल रही हूँ। तकरीबन आधा किलो सुपर का गोश्त है ये। इस टाइम गर्मी में आपको क्या बताऊँ, मैंने अभी पंखा ही लगा दिया हल्का सा, मैंने कहा कुछ तो हवा लगे, गर्मी दाने ना सुइयाँ चबोते हैं, पसीना आता है। गोश्त डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर ढांक के रखूँगी, ताकि गोश्त में जो पानी है वो निकल जाए, तो फिर उसके बाद मैं इसको भूनूँगी अच्छे से। तो गोश्त जो है हाफ डन हो गया, मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए, मैंने आलू डाल देती हूँ इसमें, और फिर 5 मिनट के लिए इसको दोबारा प्रेशर लगा देती हूँ, ताकि आलू भी इसी में गल जाए। पहले मैंने साथ नहीं डाले, नहीं तो फिर आलू जो है ना बिल्कुल घुल जाते। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं दोबारा प्रेशर लगा दूँगी। जी तो कोरमा रेडी हो गया, देखें कलर कितना ज़बरदस्त आया, ऑयल भी ऊपर आ गया, गोश्त भी गल गया है और आलू भी गल गए अच्छे से। अब चावल मैंने रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, पुदीने के पत्ते डाले हैं, नमक डाले, और थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया था। और बस गर्मी देखें क्या हाल हो गया। कहते ना बिरयानी खाना बहुत आसान है, तो अभी मैं यही कह रही थी कि बिरयानी खाना बहुत आसान है, लेकिन गर्मी में पकाना बहुत मुश्किल, ऊपर से लाइट गई हुई है। तो बस चावल बॉयल होते हैं, फिर जब दम पे लगाऊँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ।
तभी मैं दम पे लगाने लगी। पहले मैंने थोड़ा सा घी लगाया लेचकी में और अभी मैं चावल डाल के तो ये पहली तह लगा रही हूँ। मैं एक ही तह लगाती हूँ। टमाटर में देखिए ना कितने बेकार टमाटर, पानी के भरे हुए टमाटर। मिसाल डाल दूँ इसमें, थोड़ा सालन मैंने निकाल लिया सुबह नाश्ते के लिए। लाइट का कोई पता नहीं होता कि जब दिल करे जाती, टाइम पे आने का उसका कुछ पता नहीं होता कि आएगी कब। बस ये हो जाए तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सारा सालन मैंने डाल दिया, अभी चावल सारे लगा के ऊपर से नज़रते का रंग है, केवड़ा है, पुदीने के पत्ते हैं और प्याज से डाल दूंगी। गरम गरम है ना, भाप आ रही कैमरे के आगे। पुदीने के पत्ते हैं, प्याज है, मैंने निकाल ली थी फोन करके। निकी की बाइक की आवाज़ आ रही है, लगता दरवाजे पे आया हुआ। मिकी बारिशों का बता रहा है, न्यूज ले लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ बारिश कब होगी मिकी? कह रहा इस्लामाबाद में और अटक में हुई है। केवड़ा और जर्दे करेंगे, तवा मैंने पहले से रख दिया गर्म होने के लिए। तवा मैंने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए, तभी इसको 15 से 20 मिनट बन के लगा दूंगी। जब रेडी होती तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। 15 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था, तुम्हें चेक करती हूँ। ये तो बंद हो गया इसका, इसको मिक्स करती हूँ। कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। चावल भी देखें, एक एक दाना टोटा चावल की मैंने बनाए हैं सेला के, और देखें एक एक दाना इसका अलग अलग ही। ये देखें तो आज ये व्यूअर्स मज़ेदार सी बॉम्बे स्पेशल मटन बिरयानी हमारे साथ इंजॉय करें। गर्मी में भी वो भी लेकिन मज़ा बहुत करती है। और मटन की मुझे एकदम चिकन से ज़्यादा ना मटन की बिरयानी पसंद है। बस अब ये हो गई है रेडी, मैं लाइट का इंतज़ार करती हूँ। फिर मतलब मैं कपड़े ज़रा धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अभी मम्मा ने सारे कपड़े वगैरह धो दिए, तो मैं जा रही हूँ पापा के साथ कपड़े डलवाने। और बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने कहा चले मैं क्लिप्स लेके चली जाती हूँ। बाकी पापा वहाँ गए हैं कपड़े डालने के लिए, मेरे पोछने पोछने तक देखे पापा ने सारे कपड़े भी डाल दिए। और बस मम्मा थक गई थी तो मैंने कहा चले आप रेस्ट कर लें, मैं जाती हूँ बनाने के लिए वीडियो। मैंने हमारे लिए इतनी मज़ेदार बिरयानी भी बनाई है, फिर सारे कपड़े वगैरह भी धोए तो थक गई। हल्की हल्की हवा चलने शुरू हो गई है, धूप तो है ही है, गर्मी भी बहुत है। बस कपड़े भी इतने ज़्यादा थे, मैं तो मना कर रही थी कि आप ना धोएं सुबह धो लेना, तो कहती कि अभी भी मैं नहीं धोने, सुबह भी मैं नहीं धोने हैं, तो बस अभी धो के फारिग हो जाती हूँ। फिर वो ज़्यादा थक भी गई थी तो बस अभी कपड़े डाल लेते, बस फिर मैं जाके सैलेड बनाती हूँ। तो बन गया था और साथ ही मैंने कपड़े भी धो लिए और ये और बेटी जाके डाल दिया। तो बेटी कहती है मैं जाती पापा के साथ डाल देती, तो उन्होंने सारे कपड़े डाल लिए थे। फिर आगे कह रही मम्मा पापा ने तो कपड़े डाल लिए, मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली। मैंने कहा चलिए अच्छा किया, मैं रेस्ट कर रही थी थक गई थी क्योंकि सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए थे। पता है मैं इन दिनों मशीन बिल्कुल नहीं लगा रही क्योंकि बिल इतने ज़्यादा आती है, थोड़ी सी बिजली की बचत हो जाती है और थोड़ा पानी का भी इशू होता है कि मशीन में ज़्यादा पानी डलता है और ज़्यादा खर्च भी होता है। तो इस वजह से मैंने हाथ से ही धो लिया कपड़े, और क्योंकि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अभी भी हमारे 8,000 का बिल आया है और जो गैस का है 1500 का, जबकि गैस हम इस्तेमाल करते नहीं। आपके सामने सारा खाना जो है सब कुछ मैं सिलेंडर पर ही बनाती हूँ, लेकिन इनका कुछ नहीं हो सकता जो ये बेचते जा रहे और हम भरते जा रहे और ये लोड शेडिंग करते जा रहे हैं। तो बस खाना है, बड़े मज़े की बिरयानी बनी, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। मैं आपको कि आप आ जाए हमारे साथ एंजॉय कर लें। हस्बैंड ने तो थोड़ा सा टेस्ट भी किया था, वो चकोरमा मैंने बनाया है तो इन्होंने कहा मुझे भूख लग रही है, इन्होंने तंदूर से नान मंगा के खाया तो कह रहे बहुत मज़े का लग रहा है, कह रहे कभी किसी दिन ऐसे भी बनाना इसी बिरयानी मसाले में और नान के साथ खाएँगे, वैसे सालन बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने सुबह नाश्ते के लिए भी निकाला क्योंकि हम पराठे के साथ भी सुबह नाश्ते में भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। और बिरयानी का जो मसाला जो हमें हम इस्तेमाल करते हैं बॉम्बे स्पेशल बिरयानी मसाला, इसकी तो बिरयानी की बात ही कुछ और है।
जान का हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत मज़े की बनती है। कुछ मसाले मैं घर के भी डालती हूँ, तो आप लोगों के साथ आज फुल रेसिपी शेयर की है। वैसे शॉर्ट पे भी मेरी एक रेसिपी है, लेकिन ये भी आप लोगों के साथ शेयर किए तो ज़रूर देखिए, और देखना भी वीडियो पसंद करेंगे मुझे उम्मीद है। और जो देखते हैं तो प्लीज़ इस ट्राई भी ज़रूर करना, क्योंकि मटन बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। चिकन से ज़्यादा जो है ना मटन की बिरयानी अच्छी लगती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को पसंद आएगी। और जो नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।